हेलो एंड हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन डियर स्टूडेंट. नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव इन द वर्ल्ड इफ़ आई हैव ए स्ट्रॉन्ग विल पावर. से दुनिया में कोई चीज़ प्राप्त करना असंभव नहीं है अगर मेरे पास छत्ता जुनून और स्ट्रॉन्ग विल पावर हो. तो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डब्लू सर. आज मैं आपको ग्रामर का रूल बताने जा रहा हूं. उस ग्रामर का नाम है इम्फैटिक. से टू अंडरस्टैंड एनी ग्रामर से वी मस्ट नो द ट्रांसलेशन. से विदाउट ट्रांसलेशन से वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट ग्रामर लाइक एक्टिव पैसिव नरेशन टाइम एंड टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. से वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट. से और दिस ग्रामर से आर ऑलवेज आस्क्ड इन अवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक रेलवे SSC बैंकिंग. से तो मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रामर को समझने के लिए ट्रांसलेशन का होना बहुत ज़रूरी है. बिना ट्रांसलेशन के कुछ ऐसे ग्रामर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में, रेलवे जैसे बैंकिंग में अक्सर उनके क्वेश्चन आते हैं. वो एक्टिव पैसिव एंड टाइम एंड टेंस नरेशन डेट मीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जब तक आप ट्रांसलेशन पर ज्ञान नहीं रखेंगे उसको आप नहीं समझ पाएंगे. तो आई अपील यू टू मेक द ट्रांसलेशन. से इंशाल्लाह आफ्टर दैट यू विल फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर. से तो डियर स्टूडेंट, टुडे आई वुड लाइक टू एंड टीच यू अबाउट द रूल ऑफ इम्फैटिक से विच इज़ ए ग्रामर. से आज मैं आपको इम्फैटिक का रूल बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही आसान है. आप बिल्कुल इस कंसेप्ट पर आप क्लियर करें, इस कंसेप्ट को अच्छे से तरीके से देखें तो आप ज़रूर सबको बना लेंगे. चलिए पहला क्या कह रहा है कि हाउ टू मेक इम्फैटिक. से तो कहता है कि प्रिंसिपल वर्ब के पहले डू डस डिड का प्रयोग करेंगे. यानी प्रिंसिपल वर्ब के पहले डू डस डिड का प्रयोग करेंगे. आपको ये पता है ना, डू और डस का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंटोगेटिव फॉर्म में होता है और डिड का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट के इंटोगेटिव फॉर्म में होता है. ऑलरेडी आई हैव टॉट यू इन टेंस रूल. से टेंस के रूल में ये बता चुका हूँ. कहता है कि प्रिंसिपल वर्ब के पहले डू डस डिड का प्रयोग करेंगे. द क्वेश्चन इज टू बी राइजन हाउ इज डू इज और वेयर इज डू इज यूज, कैसे और कहाँ डू का इस्तेमाल करेंगे. तो कहता है कि जब प्रिंसिपल वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में हो, जब प्रिंसिपल वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में हो तो डू का प्रयोग करेंगे. और डस जब प्रिंसिपल वर्ब में एस या एस लगा रहो यानी वर्ब का पांचवा रूप तो हम डस का प्रयोग करेंगे. जब प्रिंसिपल वर्ब अपने पास्ट या सेकेंड फॉर्म में हो तब हम डिड का प्रयोग करेंगे. आई हैव गिवन 5 क्वेश्चन से, यू नो मैं 5 क्वेश्चन दिया हूँ. अब इस रूल को आप यहाँ पर पुट कीजिए, इंशाल्लाह यू विल गेट द फाइनल आंसर. से पहला है आई लव यू. तो हमें देखना है कि यहाँ पर लव प्रिंसिपल वर्ब है तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, हाउ विल यू प्रिंसिपल वर्ब पुट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है प्रिंसिपल वर्ब आता है. तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब है. प्रिंसिपल वर्ब का पहचान जिसका बोली ना याता पर है, लव मीन्स प्यार करना, ठीक है. तो ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया. और भी कैसे पुट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद तुरंत प्रिंसिपल वर्ब आ जाएगा. तो ये आई सब्जेक्ट है, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब है. अब ये देखना है कि लव जो है वर्ब का कैमा रूप है, तो ये लव जो है वर्ब का पहला रूप है. तो क्या कहता है, डू का प्रयोग होगा. जब प्रिंसिपल वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डू लव यू. चलिए एक क्वेश्चन आपका बन गया. अब सी लव से मी, ये कह रहा है कि डच का प्रयोग कब करेंगे, जब प्रिंसिपल वर्ब में एस या ईएस लगा रहे. तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है तो क्या प्रयोग करेंगे, डच का प्रयोग करेंगे. एंड सी डज लव मी. अब यहाँ पर एक बात है कि डू डज के बाद प्रिंसिपल वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा. हम यहाँ पर नोट करके लिख दिया है कि डू डज डिड के बाद प्रिंसिपल वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होगा. इस तरह से ही किल्ड स्नैक, तो ये किल्ड वर्ब का दूसरा रूप है. तो दूसरे रूप में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे. तो यहाँ पर ही डिड किल, डिड के बाद प्रिंसिपल वर्ब पहले फॉर्म में आएगा, ए स्नैक, ठीक है बेटा. मोहन हैज करेज. अब यहाँ पर है जो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ हैज इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब है, तो ये भी एस या ईएस लगा हुआ है तो क्या प्रयोग होगा, डच का प्रयोग हो जाएगा. तो मोहन डज हैव
करेज, ठीक है, मोहन डज हैव करेज। तो डू डज लगाने के बाद वर्ब अपना पहले फर्स्ट फॉर्म आ गया। सी हैड ऑनेस्टी, ये हैड ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करेंगे, एंड सी डिड हैव ऑनेस्टी, ठीक है, सी ऑनेस्टी हो गया। ओके सर, तो दीज आर द रूल्स, इफ यू फॉलो द रूल्स इंशाल्लाह यू विल मेक ऑल टाइप्स ऑफ एम्फैटिक से, द क्वेश्चन ऑफ एम्फैटिक इज ओवर से, नाउ यू कैन मेक ऑल एम्फैटिक क्वेश्चन फ्रॉम डेट रूल से। ओके डेयर स्टूडेंट, इंशाल्लाह, एंड अगर इफ यू रीड, यू नो, इफ यू वॉन्ट टू रीड एनीथिंग, जस्ट आई एम नॉट ओनली टीचिंग, आई डोंट टीच ओनली, यू नो, 11th or 12th way, but also and teaches the competitive and spoken and honors. You must come to meet me. Have a nice day. See you again.